चलो गोल्ड में डिस्कस करते हैं। हमारे पास माइन दे रखी है, मतलब गोल्ड की माइन कुछ ऐसी। हम ना शुरुआत यहाँ से करते हैं, ये हमारी शुरुआत है, एस ये हमारी डेस्टिनेशन यहाँ तक आया, यानी कि ऐसे हम खड़े हो गए और ये ना रास्ते हैं, ये हम चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं चालू, हम यहाँ से भी चालू हो सकते हैं, यहाँ से भी चालू, यहाँ से भी चालू, ये कि हमको आखिर में निकलना है, कहीं से भी निकल सकते हैं, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यानी कि किसी एक रैक को चूज कर लो और चले जाओ कहीं से भी निकल जाओ। समझ आ गया ना क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन ये कि मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट करना है आपको। अगर आप 8 पे गए तो आपको 8 गोल्ड पर मिल जाएंगे, फिर आप उसके बाद डायगनल में जा सकते हो, इसके डायगनल जा सकते हैं, हाँ ऐसे हो तो यहाँ भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे जा सकते हो, ठीक है। आप अगर 2 से गए तो यहाँ जा सकते हो और यहाँ जा सकते हो, ठीक है, ऊपर तो जा नहीं सकते पारी हो। तो आपको क्वेश्चन ये गोल्ड माइन कितना मैक्सिमम कलेक्ट कर लोगे, मेरा रास्ता मिल गया है ना, तो वो आपको बताना है। जैसे मान लो आप यहाँ से गए, वर्टिकली जा सकते हैं, 2, 1, 8, 3 जा सकते हैं, ऐसे नहीं जाना, कहीं ना सके 2 गए फिर 1 गए फिर 8 गए फिर 3 गए फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कई लोग ऐसे चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाना। मान लो आप इस पे 8 करो, आपको अपना निर्णय ही पड़ेगा कि इधर जाओ या इधर ना इधर जाओ, ऐसे जा सकते हैं। मान लो हम 8 पे गए, उसके बाद हम 9 पे नीचे, 9 पे फिर डायगनल लेना, 9 पे गए फिर 6 पे गए, अब एक बार में उसमें जा सकते हैं। अच्छा एक बार में उसी रो एक ही कॉलम में रहेंगे, पहले इस कॉलम में थे, अब अगले कॉलम में जाना पड़ेगा, फिर अगले कॉलम में जाओ, अगले कॉलम में जाओ, ओके। मतलब आप घुसे तो ऊपर जाने का रास्ता ही था ना, नीचे जाने का। 9 के बाद 1 गए, 9 गए, 3 गए, 1 गए, मान लो 8 गए, फिर 9 गए, हाँ 9 गए, फिर 9 फिर 1 फिर 1 फिर 9 फिर 9 फिर निकल गया। तो कितना रुपये इकट्ठा किया आपने वो आपको बता दें, उसके बाद यही रास्ते उसके आगे जाना ही पड़ेगा, फिर आगे फिर आगे फिर वो मेज पार के वो उसकी तरह ही, जैसे गेम होती है ना, कौन सी गेम, पहले लोग के बारे में पता नहीं कोई गेम होती है, लोग का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन सुन रहा है, अब कर दे रहे इसको उठा के फिर डीप बना देंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ी डीप बना के कितना है इसका, 1, 2, 3, 4, 5 को चार बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 अब स्टोरेज और मीनिंग असाइन करना है इसमें। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर चले तो आखिरी तक कहीं नहीं जाऊँगा, नहीं पता कहाँ जाऊँगा, या किधर जाते हैं कहीं नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम बोर्ड का आऊँगा वो यहाँ पता होना चाहिए। यहाँ से चले तो लास्ट तक जाऊँगा, कितना मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर पाऊँगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। समझा तो हमारा आंसर किधर दिख रहा है आपको, सबसे छोटा आपको ये लिख रहा है कि यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से जाऊँगा तो कितना गोल्ड कलेक्ट करूँगा, तो सबसे छोटी पूरी कॉलम ही दिख रही है ना, ये पूरी कॉलम में सबसे छोटी दिख रही है। और हमेशा ये होता है ना डीपी में कि एक ही चीज़ को भर देता हूँ, इस केस में पूरी कॉलम भर दूंगा मैं, तो डीपी में स्टोरेज और मीनिंग असाइन करना जरूरी है। स्टोरेज और मीनिंग बोलती है ना कि यहाँ पे स्टोर होगा कि यहाँ से एंड तक जाने में कितना मैक्सिमम गोल्ड मैं कलेक्ट कर पाया, तो हमारा आंसर यहाँ भी होगा, ऐसे यहाँ से कितना कलेक्ट करता है, अरे पता नहीं ना कहाँ से चालू करूँगा, ये नहीं पता, ये पता थोड़ी है कहाँ से चालू करूँगा, ये भी नहीं पता कहाँ से चालू करता है। तुम्हें ऊपर इतना पता है कि यहाँ से अगर बाहर निकलूंगा तो 9 गोल्ड के साथ निकलूंगा, क्योंकि जहाँ खड़ा जाता हूँ गोल्ड ले लेता हूँ, तुम्हें को पता है यहाँ से चालू करूँगा तो 8, यहाँ से करूँगा 5, यहाँ से 7, इतना तो पता है, ये बेस समझा ना, बेस कंडीशन हमारी। अब हम बिल्ड करेंगे इसको, तो हमको स्टोरेज का मीनिंग क्लियर है ना, हर चीज़ का मीनिंग क्लियर है ना, कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर चला तो यहाँ तक जाने, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ तक भी, इसके इसमें ज़रूरी नहीं है आपको लास्ट में जाना, बाहर निकलना है आपको बाहर, ठीक है। तो मैक्सिमम गोल्ड कहाँ कलेक्ट होगा, कितना रुपया मिला होगा, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये पता समझ आएगा इसको लिखा मैंने, जहाँ पर बढ़ा होता हूँ उतने रुपये मिल जाते हैं। तो ये अब मैं इसको फिल करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पर पहली बात इतने रुपए तो मिलेंगे मेरे को,
सात तो मेरे हो गए, अब मैं पूछूंगा भाई कहाँ जाऊँ, नौ वाले पे जाऊँ कि आठ वाले पे जाऊँ। मेरे सात रुपये तो मिल गए मेरे को, मिल गए, अब या तो मैं नौ जा सकता हूँ या आठ जा सकता हूँ, कहाँ जाऊँगा? नौ पे जाऊँगा, चाहिए पैसे ज़्यादा चाहिए ना, तो नौ प्लस सात सोलह मतलब ये कि अगर यहाँ खड़े हुए तो यहाँ से एंड तक जाएंगे सोलह रुपये लगेंगे, सोलह गोल्ड पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? वो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी समझ गया, ठीक है? अब इसको करेंगे, एक तो मेरे हो गए, एक गोल्ड पॉइंट मेरा, अब किसको चूज करूँ, नौ को कि आठ को कि पाँच को? नौ को चूज करूँ, ऑब्वियस ही बात है, नौ और एक रुपये मेरे दस हो गए, ठीक है? अब यहाँ चूज करूँगा आठ पाँच सात, आठ वाले करूँगा आठ और एक, ये तीन मेरे तीन टेबल ग्यारह हो गए, यहाँ पर चूज करूँगा पाँच और सात, और तो ऑप्शन नहीं है, तो सात हो गए और दो रुपये मेरे नौ रुपये हो गए। इस ग्यारह का मतलब ये है भैया, ऐसे नहीं हो सकता, जैसे हमने तीन वाला करा, जैसे तीन, हाँ तीन में हमने आठ लिया पांच लिया सात लिया, आठ पांच सात का आठ लिया पांच लिया सात लिया, यस। अच्छा अच्छा ठीक है, हम आठ पांच सात ले सकते हैं, ठीक है। इस ग्यारह का मतलब ये है कि यहाँ से चले एंड तक गए तो मैक्सिमम ग्यारह ही ले पाओगे, कुछ भी करो चाहे पूरी ताकत ना करो ग्यारह रुपये ले पाओगे, अगर आप तीन रुपये, वो कैसे तीन आपके हो गए आठ ही ग्यारह, कोई और रास्ते जाओगे ना तीन पाँच आठ कम ही रुपए मिलेंगे, मैक्सिमम ग्यारह ही, ठीक है। और यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे सात नौ तो मेरे होम मिलने में फिक्स डिपॉजिट है, अब किसको लूंगा, सोलह को से दस को, सोलह ही लूंगा है ना, पच्चीस हो गए, पच्चीस हुआ ना, पच्चीस हुआ, इसको भरेंगे छः रुपये मेरे हैं बाकी, सोलह दस और ग्यारह सोलह सोलह और ठीक है छी ट्वेंटी हो ना, इसको भरेंगे दस ग्यारह नौ, ग्यारह को लेंगे और नौ पॉइंट कर देंगे बीस हो गए, बीस हो गए यहाँ पे चार है, इसको लेंगे ग्यारह नौ, ग्यारह को लेंगे चार एड करते पंद्रह, पंद्रह अप्रोसल ना कि हम अपने रुपए को ऐड कर रहे हैं पर मैक्सिमम ले, मैक्सिमम को ऐड कर रहे हैं वही फिर बढ़ते रहे, अब यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर खड़े हैं छः रुपये तो मिले हैं, कौन से लेंगे पच्चीस बाईस, पच्चीस के लिए और छः ऐड करते हैं थर्टी वन हो गए, अब यहाँ पर सात तो मिलेंगे और तीन ऑप्शन है पच्चीस बाईस बीस, पच्चीस पच्चीस लेंगे और सात ऐड कर देंगे पच्चीस पच्चीस हो गए थर्टी टू, थर्टी टू एक रुपये मिल लेंगे और ये तीन ऑप्शन है तो ट्वेंटी थ्री हो गए, और ये नौ बीस और तेरह बीस ले लेंगे, नौ ऐड कर देंगे ट्वेंटी नाइन, ठीक है भैया। अब इसको भी भरेंगे, देखो दो मेरे हैं, कौन सा लेंगे ऑप्शन, थर्टी वन थर्टी टू लेंगे, थर्टी टू और दो थर्टी फोर, यहाँ पर गए एक रुपये मेरे और तीन थर्टी नाइन ये ट्वेंटी नाइन, ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन और तीन मेरे थर्टी टू, ठीक है। अब मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि भैया चालू चार से करना चालीस रुपया, क्योंकि इस रो में मेरा आंसर है, इस वाले कॉलम में मेरा आंसर है, और जो इसमें सबसे ज्यादा देगा सबसे ज्यादा है वही वही मेरा आंसर है, यानी कि चालीस, ओ भाई साहब, यानी कि यहाँ से घुसे यहाँ से गए मैक्सिमम चालीस रुपये, बिल्कुल बिल्कुल है ना, समझ आई आपकी बात, तो चालीस रुपये क्या होंगे वो आठ से चालू करेंगे हम, आठ से है ना आठ से, पहले इसको नोट डाउन कर लो कि इसको कोड भी कैसे करेंगे, हम ये लूप एक ही तो लगेगा, लूप एक कैसे का, पहले देखो एक लूप तो इसको इनिशियलाइज भरने में लगा देंगे, हां एक एक में इसको भर दिया, बाकी बाकी तो फिर हम ऐसे तो चल रहे हैं ऐसे सॉल्व तक सॉल्व तो करके जा रहे हैं ऐसे, पहले तो हम एक काम देखो पीछे भी चल रहे हैं और नीचे नीचे भी चल रहे हैं, हर बार नीचे 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 नीचे, हम स्लो कौन सा चल रहे हैं, ऊपर वाला स्लो चल रहे हैं ना, पहले ऐसे जो स्लो चलते हैं वो ऊपर लिख देते हैं हम, यानी कि फॉर आई इज इक्वल टू एन एन माइनस टू, अरे स्लो हम जे को चल रहे हैं, हम जे को तो स्लो चलते हैं, यानी कि पहली वाली कॉलम सॉल्व करेंगे फिर कॉलम सॉल्व करेंगे, तो हम जे को लेके ऊपर जे इज इक्वल टू एम माइनस टू, चलो पहले इसको वो कर लो कोड में लिखता हूँ, इसको पहले नोट कर लो, कोड कैसे लिखेंगे सोचो,
इसका कोड देखो, ये डीपीआर है हमारा, हम पहले यही फिल कर रहे थे ना, एलिमेंट्स कॉपी कर रहे थे, तो एक काम करते हैं डीपीआर बना लेते हैं, इंट डीपी एन और एम, एन प्लस वन नहीं बनाते इस केस में। यहाँ पे क्या फिक्स है तो देखो, देखो कॉलम फिक्स है ना, रो तो इधर होती है ना टीचर, तो यहाँ देखते हैं रो, कॉलम फिक्स है, रो चेंज होगी, पहली वाली रो आई फिर याली रो, याली रो, याली रो, याली रो, रो चेंज होगी, फिक्स हमारी कॉलम है, तो एक काम कर सकते कॉलम फिक्स है, कॉलम इज चेंज इक्वल टू एम माइनस वन, फिक्स कर दिया और फॉर्मूला लगा दिया इसका रो का इंट। इसमें भी वैसे नहीं कर सकते जैसे कि हमने उसमें करा था, किसमें क्या था कोस्ट वाले, वही तो कर रहा हूँ, तो उसमें तो हमने डायरेक्ट वहाँ डीपी में एरे वाला को ले लिया था, वही तो कर रहा हूँ, ये डीपी है ये एरे होगा, कॉपी तो करना है इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे कॉपी तो करना, तो कॉपी करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा ना, कैसे उसमें पहले हमने सिर्फ एक ही चीज कॉपी दे दी है, पूरा कॉपी करना तो पूरा लूप लगाने के लिए आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, नीचे तक जाना है यहाँ तक लूप लगा दिया, ठीक है। मैं बोलूँगा डी पी के आई कॉमा जे में क्या जाएगा, ए ऑफ आई कॉमा जे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉपी कर दिया डायरेक्टली। अब यहां से फिल करना शुरू कर दिए, यहां इस केस में देखो पहले ये फिल करें, सॉरी यहां से फिल करेंगे, पहले ये फिल करेंगे फिर ये फिल करेंगे फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी हम पीछे भी चल रहे हैं और इधर भी चल रहे हैं, हम स्लो किधर चल रहे हैं, पीछे हम पीछे पीछे स्लो चल रहे हैं ना, नीचे नीचे तेज तेज चल रहे हैं, तो एक रूल याद रखना जिधर स्लो चलते हैं ना उसको पहले लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, तो फॉर कंडीशन हमारा जे देखो पीछे चल रहा है, जे की तो कॉलम होती है तो जे को इस बार ऊपर लिखेंगे, ठीक है। रो तो फिक्स है, अरे इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है, देखो पहले यहाँ रो, पहले ये फिल किया, फिर ये फिल किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस केस में कॉलम फिक्स था और जे चेंज हो रहा, आई चेंज हो रहा, आई नीचे जा रही तो होता है, फिर जब हम यहाँ पर आए तब भी आई चेंज हो रहा है, यानी बार बार आई चेंज हो रहा, आई चेंज हो रहा, आई चेंज हो रहा, आई चेंज हो रहा, जे भी चेंज हो रहा, जे धीरे धीरे चेंज हो रहा, धीरे धीरे चेंज, तो जब धीरे चेंज होता है ऊपर लिखते हैं जे इज इक्वल टू एम माइनस वन, वन को भर दिया ना, इस वाले को भर दिया, अच्छा एम माइनस टू, टू से चलेंगे एम माइनस टू और जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे माइनस वन, ये ऊपर वाले के लिए है, यहाँ से चलने के लिए है। अब मैं ऊपर से नीचे चलना के लिए लूप लगाऊंगा, ऊपर से नीचे वाला के लिए लूप लगाऊंगा, वो कैसे लगाऊंगा, वो सिंपल फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से चल रहा हूँ आई जीरो, और नीचे तक जाना है, सब में नीचे जाना है, आई इज इलेवन एन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस एक साथ दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, अब एक बात गौर करना, ध्यान से भरना, अगर आपको सबसे ऊपर वाला भरना है, देखो सबसे ऊपर वाला आपको भरना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आगे वाला या इधर वाले वाला, सबसे नीचे वाला भरना तो भी दो ऑप्शन है, ये वाला या ये वाला, बाकी के लिए तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तो मैं तीन के साथ अलग अलग कंसिडर कर लेता हूँ, इसको भरना अलग, इसको भरना अलग, बाकी एक अलग, तो पहला वाला केस ले लेता हूँ, अगर मेरा आई जो है वो जीरो होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाले को भरे तो दो ऑप्शन है, उन दो ऑप्शन में आपको डी पी की आई में और जे में भरना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो फाइव जे मेरी, तो हाँ मेरे रुपये तो नहीं, ये फाइव जे प्लस मैक्सिमम ऑफ एक आगे और एक डायगनल, एक आगे के लिए कैसे जाऊंगा, डीपी का एक आगे यानी कि जे प्लस का, ठीक है, आई प्लस वन कर दूंगा तो नीचे चला जाऊंगा ना, जे प्लस वन कर दिया ये आगे जाने के लिए लूप लगा दिया, और एक डायगनल, अगर आप डायगनल जा रहे हो तो आप नीचे भी जा रहे हो और आगे भी जा रहे हो, भैया आई ऐसे चल रहे हैं ना, पहले हमारे एक आगे वाला और एक नीचे वाला, नीचे वाला, आगे वाले के लिए तो जे प्लस वन आई फिक्स, ठीक है, और नीचे वाले जाने के लिए जे भी नीचे होगा और आई भी नीचे होगा, आई प्लस वन जे प्लस वन दोनों प्लस वन कर लेंगे, हाँ तो डी जीरो आई प्लस वन जे प्लस वन ये लिखूंगा, यानी कि मेरी कॉस्ट प्लस कर दो बट मैक्सिमम निकालो, एक आगे ये आगे है और ये डायगनल है, इनमें से जो मैक्सिमम है उसमें मेरी कॉस्ट एड करके मेरे बड़ा कर दो, जब मैं जीरो पे हूँ, क्योंकि दो ऑप्शन, ठीक है, एक ऑप्शन लास्ट वाला भी सकता है ये वाला, तो मैं लिख देता हूँ एल्स इफ
अगर मेरा आई जो है वो एन आई माइनस वन है ठीक है, तब क्या करूंगा, तब भी यही चीज लिख दूंगा, यही चीज लिख दूंगा, बट आई प्लस वन जे प्लस वन तो मैं मतलब तब की बात मेरे को डायगोनल ना ऊपर ऊपर की तरफ लेना होगा, आई प्लस वन वाला तो ठीक है, तो ठीक है ऊपर की तरफ लेना, यानी कि मेरे को आई को एक ऊपर करना है, यानी कि आई माइनस वन करना पड़ेगा, आई प्लस वन मतलब नीचे जाना होता है, आई माइनस वन मतलब ऊपर जाना होता है, आई माइनस वन मतलब ऊपर जाना है, रो ऊपर जाने, आई तो रो होती है, रो ऊपर जाने तो सेम चीज लिख देंगे, बस ये माइनस कर देना, बस आपको समझ गए। अब यहाँ पे प्लस लिख लेना चाहता हूँ, उसको ऐसे लिख देता हूँ, डीपी का आई माइनस वन लिखता हूँ, सेम चीज लिखी, बस यहाँ पे आई माइनस वन लिखते हैं, और जे प्लस वन लिखे, जे प्लस, अरे जे तो आगे जा रहा है ना कॉलम आगे, पहले मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, अब मैं ऐसे, ऐसे और ऐसे जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है समझ गए ना, एक आगे वाले से क्वेरी करी, एक ऊपर वाले से क्वेरी करी, और ऊपर वाले की क्वेरी के लिए मैंने क्या किया, माइनस का माइनस, आई माइनस वन ऊपर, ठीक है समझ गए, मैं इस रो पे हूँ तो इस वाली रो के लिए माइनस तो करना पड़ेगा रो, और जे प्लस वन क्योंकि कॉलम ये आगे वाली कॉलम ये है, ये वाली कंडीशन लगा, ये कंडीशन लगा, तीन वाली, और लास्ट वाली कंडीशन एल्स, एल्स में मैं लिख दूंगा कि डीपी के आई कॉमा जे में आएगा, पता क्या वो पैसे को ऐड हो जाएंगे अपने वाले आई और जे, उसमें ऐड कर देंगे हम मैक्सिमम ऑफ तीन का, तो भैया ये दो तो आएंगे ही आएंगे, हाँ डीपी ऑफ आई और जे प्लस वन तो आएंगे, हाँ। ये क्या होगा, आई आगे वाला होगा, अब दो डायगोनल ले लेंगे तो ये कॉमा, फिर मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस वन जे प्लस वन कॉमा डीपी ऑफ जे प्लस आई माइनस वन जे प्लस वन, ठीक है, देखो इस मैक्स के अंदर एक और मैक्स लगा हुआ है, ये कुछ ऐसे है, मैक्स ऑफ ए कॉमा बी नहीं है इस बार, मैक्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी नहीं निकलता कभी, तीन का मैक्सिमम इससे नहीं निकलता, मैक्स हमेशा दो का मैक्सिमम निकलता है, तो आपको इन दोनों का मैक्स निकालना पड़ेगा, अरे तीन का मैक्सिमम निकालना है तो इन दो का निकालो, कंपैरिजन सिर्फ दो में होगा, हाँ उनमें से निकाल के फिर एक और मैक्सिमम निकाल दो उन दो के लिए, तो ए और सी के लिए मैक्सिमम बी कॉमा सी ऐसे लिखा है ना, ठीक है ठीक है ओके समझ गए, इन दो का निकालो उसमें से मैक्सिमम है उससे निकालो, वही निकालना है सब भर गया, आंसर क्या अरे तो पहले वाली रो है इसमें जो मैक्सिमम मैक्सिमम वही तुम्हें बोल पाई मैक्सिमम आई नहीं था सामने, अरे मतलब जो हमारा भरते भरते आ गया 40 आया मैक्सिमम, हाँ 40 मैक्सिमम आया, हाँ कोड के टर्म में हमें मैक्सिमम तो वो निकालना, हाँ हमको तो मैक्सिमम कोड निकाल लिया ना, तो रिटर्न मैक्सिमम ही करेंगे, मैक्सिमम किस वो पहली वाली उसका पहली वाली कॉलम का, हाँ हाँ देखो जब भर जाएगा पूरा, ये भी भर गया ये भी भर गया ये भी भर गया ये भी भर गया, तो जो पहली वाली है इसमें मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा हमको, तो उसमें भी तो लूप लगेगा, इसमें फिर लूप लगेगा, तो फिर लूप लगेगा, तो कैसे लगेगा आपको, इसको तक करना है फिर इसको तक करना है फिर इसको तक करना है, मैक्सिमम निकालना तो करेगा, ठीक है मैक्सिमम निकाल दो, कर लो भाई इसका कोड लिख लो आराम से।